रात के 7:30 बज रहे हैं। देखो अंधेरे में हम मम्मी बेटा, हमारी गाड़ी पंचर हो गया, उसे ठीक कर रहे हैं और फिर हम अपनी गाड़ी लेके घर जाएंगे। रात बहुत हो गई है और सर्दी की तो 7:30 भी समझो आप 11 बज रहे हैं। अभी मैं गाड़ी पर पहुंच रही हूँ बस। अच्छा है गाड़ी हो रहा है, तो 2 दिन छुट्टी हो गई है। तो मैं बोल रही हूँ भाग मिल्खा भाग, पंचर वाले को बुला मिल्खा। दूर था झांक रहा सूर था, कुडोलने लगे चमन मुख। तो बंदा कहाँ खड़ा है जंगल में गाड़ी को पंचर करके। हम आप भी अब हम मम्मी बेटा इसे ठीक करवा के लेके जाएंगे। आप बता दो यहाँ पे कौन मैकेनिक मिलेगा, इतना अंधेरा है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं पार्किंग में। अब हम मम्मी बेटा को आके ये गाड़ी टो करनी पड़ रही है। तो गाइस जब हमारी गाड़ी पंचर से ठीक हो जाएगी तब हम आपसे बात करेंगे दोबारा। ये दोनों बापू बेटा काम पे पंचर करेंगे, क्या करें, पंचर ठीक करेंगे, स्टेपनी लगाएंगे और घर जाएंगे। और ये देखो ये हालत ये करके खड़े। ओ क्या आग का गोला। हाँ भाई लगा, नोनू जरा लग जा काम पे, नोनू बड़ा हो गया है, जिम जाता है आखिर में। ये देखो नोनू की बॉडी का यूज होगा अब मस्त वाला। ये टायर चेंज किया जा रहा है। अब बताओ हम नहीं आते हैं तो ये रात में कौन करता है यहाँ चेंज, एक बंदा क्या क्या करे। टायर चेंज करने की ट्रेनिंग दी जा रही है नोनू को। ये देखो नोनू लगा हुआ है मस्त काम पे, बड़ा हो रहा है ना, कह रहा है मैं बॉडी बनाऊंगा भाई। हाँ बच्चा उठ रही है, उठेगी देख रही है बच्चे, करा जा तू लग गया। एक बोल्ट पकड़ने के हाथ से एक नट को इसको चढ़ा इस पे आराम से ही रसेगा तो वो बाहर को आएगा, उतना सा गैप होना चाहिए जिससे कि सीधा होएगा टायर। आराम से लगा आराम से। नली नोनू ने टायर निकाल लिया, अब दूसरा टायर टाइट किया जा रहा है, जैसे ही टाइट हो जाएगा ये बेटा अपे घर को चल देंगे भाया। फाइनली लल्ला ने चढ़ा दिया टायर, अब हम चलेंगे घर। फाइनली डन। चलो आज मेरे लल्ले ने काम कर दिया, गाड़ी का पंचर सेट करवा लिया, अब हम गाड़ी लेके निकलेंगे। भैया इतनी देर की तो हमारी कहा बताए। एक और चलिए आप लोग आराम से घर पहुंचिए, अगर आपके पार्टी के प्लान्स हैं आप साल तक।